ਨਮਸਕਾਰ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ 5th ਕਲਾਸ ਦੀ ਮੈਥ ਦੀ ਬੁੱਕ ਗਣਿਤ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪੇਜ ਨੰਬਰ 2 ਦਾ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਸੈਕਿੰਡ ਸਮ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ ਇਹਦੇ ਪੰਜ ਪਾਰਟ ਹੈਗੇ ਨੇ A B C D ਔਰ E ਪੰਜੋ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਅੱਜ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਬੇਟਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਹੈ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਲ ਸਾਰਣੀ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਸਾਰਕ ਬੁਲ ਸਾਰਣੀ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਜੋ ਫਰਸਟ ਸੰ ਹੈ ਇਹ ਪਾਰਟ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜੀ 678 ਠੀਕ ਹੈ ਸੰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ ਲਿਆ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ 600 ਤੋਂ 100 ਮੀਨਸ ਸੈਂਕੜਾ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਸੈਂਕੜੇ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਅੰਕ ਹੈ ਬੇਟਾ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ 6 ਇਹ ਹੈ ਜੀ 600 ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਗੇ 78 ਸਿੰਪਲ ਹੈ ਅੱਠ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕਿਦਾ ਲਿਖੀਦਾ ਹੈ अठत्तर सत्तर अठ अठत्तर तो बेटा ये साढ़ा जोड़ा है सम सॉल्व हो गया कि फर्स्ट जो है छः सौ अठत्तर असी लिख लिया है ये अपना आंसर है बी पार्ट जो है वो देखिए अभी अगे हम एक हज़ार सत्त पहला नंबर है एक हज़ार एक हज़ार यानी कि हज़ार के स्थान पर कि अंक है एक है सत्त सौ के स्थान पर कि अंक है सत्त है

सौ वाला कोई भी नहीं है यदा मतलब सैकड़े दे आना है जीरो हम केटा छे इकई अंक है ये हाँ को इकाई दे स्थान आएगा दहाई पर कोई अंक नहीं है दहाई अखे जीरो और कोई इकई पर आ गया छे साढ़ा ए सी पार्ट भी सॉल्व हो गया चार हज़ार छ डी पार्ट बेटा डी पार्ट है अठ हज़ार अठ सौ छियासी पहला है जी हज़ार के स्थान पर कि अंक है अठ तो अभी लिख दईए अठ अठ सौ यानी कि सौ दे स्थान पर अंक है ये भी है जी अठ अ लिखा है छियासी तक तो पता है छियासी किं अस्सी छे छियासी तो बेटा ये अपनी जो तो डी पार्ट से सॉल्व हो गया अठ हज़ार अठ सौ छियासी ठीक है जी हम देखो तो लास्ट पार्ट आ गया ई पार्ट ए है नौ हज़ार नब्बे पहली गलत नौ के स्थान पर है हज़ार के स्थान पर है ये आ गया साढ़े को हज़ार के स्थान पर नौ अगे सौ पर कोई लिखिया होया सौ कोई भी नहीं है यदा मतलब सैकड़े दे की आना है जीरो और अगे है नब्बे नौ जीरो नब्बे सा सॉल्व हो गया जी ई पार्ट नौ हज़ार नब्बे सौ तो कुछ भी नहीं सी तो बेटा आपकेंड क्वेश्चन सारे पार्ट कर लेने यहाँ ती नोटबुक के उपर नोट कर लेना है थैंक यू